आंखों देखी। नमस्ते, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज अभिलाषा के साथ। आदर्श नगर थाना इलाके में स्कॉर्पियो चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बीते कुछ दिन पहले आदर्श नगर थाना इलाके में स्कॉर्पियो चोरी होने का मामला सामने आया था, जिस पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में आज पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी कल ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपियों को नागौर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस सख्ती से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द से चोरी का वाहन भी बरामद कर लिया जाएगा। जी सर 18 सितंबर को दिलीप जी राठे ने अपनी स्कॉर्पियो को चोरी के संबंध में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके संबंध में एक मुलजिम को पहले गिरफ्तार कर लिया था, सुरेश उर्फ टोपी को। दूसरा मुलजिम रामलाल उर्फ रामा, उसको आज सैलाना जे उपजेड जिला रतलाम एमपी से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाए थे, जिसको पुलिस रिमांड पर लिया है, पूछताछ की जा रही है। ये दिलीप जी राठी की 17-18 सितंबर की रात को स्कॉर्पियो को गाड़ी चोरी करके ले गए थे। बाड़मेर जोधपुर बाड़मेर के विष्णु के लड़के हैं, जो ये इस तरह की वारदात करते हैं। इनसे और भी वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है सर? इसका नाम रामलाल उर्फ रामा, ये बाड़मेर का रहने वाला है। हाँ, इसका एक साथी और वांटेड है, दो साथी और वांटेड है, और एक को पहले गिरफ्तार किया जा रहा है। राज्य, देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और साथ ही हमारा फेसबुक पेज आंखों देखी राजस्थान भी फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं अभिलाषा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।